सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। पूरा गांव चुपचाप सोया हुआ था। दिन भर के मेहनत के कामों से थककर सोए हुए थे। गली के कुत्ते भी कोने पकड़कर सोए हुए थे। अचानक से कोई कुत्ता उठता है और इधर उधर संदेह भरी नजरों से देखकर वापस सो जाता है। उसी गांव से बाहर एक छोटी सी बस्ती पर कोई जाग रहा था। झोपड़ी जैसा छोटा सा घर था। वहां पे किसी का आना जाना नहीं था, इसलिए उसने वह जगह चुनी थी उस अघोरी काम को अंजाम देने के लिए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रात के कीड़े अपनी आवाज निकाल कर उनके होने का एहसास करा रहे थे। पूरा माहौल तनावपूर्ण लग रहा था। इसी माहौल में वो निकली थी। वो उस झोपड़ी में आई घर वालों के सोने के बाद। चुपचाप निकल आई थी एक खौफनाक काम की शुरुआत करने के लिए। उस झोपड़ी की दीवारें और जमीन गोबर से लिपी हुई थी। उसने साथ में लाई हुई मोमबत्ती जलाई। उस मोमबत्ती के उजाले में उसका भोला भाला चेहरा डरावना लग रहा था, लेकिन उस झोपड़ी में जो था वह उससे भी डरावना था। झोपड़ी के कोने में एक मुर्गा था। उसके पैर और पंख बंधे हुए थे, इसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर भी जैसे तैसे उसके पेट से गुर्र गुर्र की आवाज निकल रही थी। उसने उस मुर्गे की तरफ देखा। एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। उसने अपने बाल खोले छोड़े और मटके में रखा हुआ पानी सर पर डाल लिया। गीले बदन के साथ किसी मंत्र को बड़बड़ाने लगी। उसने कोयले का टुकड़ा निकाला और नीचे जमीन पर कुछ अजीब सी आकृतियां निकालने लगी। उसने चार नींबू निकाले, उसमें अपना अंगूठा चुभाकर नींबू फोड़े और चारों कोनों में एक एक रख दिया। फिर उसने उस मुर्गे की तरफ देखा। उसने उस मुर्गे को उस आकृति के बीच में पकड़ा, मंत्रों का उच्चार और तेजी से करने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने मुर्गे की गर्दन दबाकर पकड़ी। मुर्गा तड़पने लगा और एक अलग ही आवाज में चिल्लाकर उसने उस मुर्गे की गर्दन मरोड़ डाली। थोड़ी देर तक पैर झाड़कर मुर्गा शांत हुआ। उस मुर्गे के साथ साथ वो औरत भी शांत हुई। पूरा माहौल भी खामोशी से भर गया। लेकिन उसने शुरू किया था एक जानलेवा खेल, जिसको बोलते हैं काला जादू। इस कहानी के लेखक हैं आसिम नागराल। मोबाइल के रिंगटोन बज रही थी। उससे नितिन की नींद टूटी। उसने वही लेटी लेटी कॉल उठाया। आधी नींद में ही वो बोला, हेलो। अरे भाई, एक गणनापुर का किराया है गाड़ी के लिए, एकदम अर्जेंट है, जाओगे क्या? गाड़ी का किराया सुनते ही नितिन की नींद उड़ गई। वो बोला, हाँ जाऊंगा ना, बताओ ना कहाँ आऊँ। तो फिर जल्दी से आ जाओ, हम यहाँ सांगली नाके के पास रुके हैं। उधर से आवाज आई, हाँ अभी चाय पीकर निकलता हूँ। हाँ, इतना कहकर नितिन ने फोन रख दिया। उसने घड़ी देखी तो रात के 3:30 बजे थे। नितिन एक 10वीं पास लड़का था। कहीं नौकरी ना मिलने की वजह से कुछ दिन लोगों की गाड़ियों पर ड्राइवर का काम किया और बाद में अपनी खुद की टवेरा गाड़ी खरीदी। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोए और चाय पीकर वो निकला। बस आधे घंटे में वो नाके पर पहुंचा। सामने अमोल खड़ा था। उसी ने नितिन को फोन किया था। उसकी भी खुद की गाड़ी थी, लेकिन वो भी गाड़ी एक तरफ से ठोक गई थी। उस गाड़ी के पास ही 5 लोग खड़े थे। उसमें से 3 बहुत ही तगड़े पहलवान लग रहे थे, बाकी के दोनों 25 के लग रहे थे। अरे भाई, क्या हुआ गाड़ी को? नितिन ने गाड़ी को देखकर बोला, अरे मैं ही इनको लेकर जा रहा था, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ना, तो इनको थोड़ी जल्दी है, अब तुम ही इनको आगे लेकर जाओ, अमोल बोला। नितिन ने गाड़ी चालू की। उसके बाजू में एक लड़का आकर बैठ गया। तीनों तगड़े लोग बीच में बैठ गए और एकदम पीछे राजू बैठ गया। इन सब में राजू एकदम शांत लग रहा था, बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा था। अरे रस्सी रह गई यार,
तीनों में से एक बोला। नितिन के बाजू में बैठा हुआ मोहन उतरा। उसने अमोल की गाड़ी से रस्सी निकाली और नितिन की गाड़ी में रख दी। रस्सी 2 इंच जितनी मोटी थी। ये रस्सी किस लिए है? नितिन ने पूछा। उसका यह सवाल सुनकर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ सोचते हुए मोहन बोला, जरूरत पड़ेगी रास्ते में, चलो जल्दी देर हो रही है। नितिन को कुछ समझ में नहीं आया, वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। सुबह होने लगी थी, आधे से ज्यादा रास्ता कट चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी गाड़ी में। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, हमेशा कोई ना कोई पीछे मुड़कर उस लड़के को देख रहा था। पीछे वो लड़का चुपचाप बैठा था। नितिन ही बार बार सवाल पूछ रहा था, जिसका उसे बहुत ही कम शब्दों में जवाब मिल रहा था। सारे सवालों के जवाब से नितिन बस इतना समझ पाया कि वे सब लोग पासी के गांव के रहने वाले हैं। एकदम पीछे बैठा हुआ लड़का, जिसका नाम राजू था, उसकी तबीयत खराब थी और उसके इलाज के लिए ही वे लोग गरनापुर जा रहे थे। नितिन को अब भूख लग रही थी। भाई चलो थोड़ा नाश्ता कर ले, बहुत भूख लगी है, नितिन बोला। कुछ सोचते हुए एक आदमी बोला, ठीक है किसी होटल पर रोक दो गाड़ी, हम रोटी लेकर आए हैं, हम गाड़ी में ही खा लेंगे, आप जाओ होटल से खा कर आओ। नितिन ने एक होटल पर गाड़ी रोक दी। यार बहुत ही अजीब लोग है, मन ही मन नितिन सोच रहा था। वापस आने तक सारे लोग वैसे ही गाड़ी में बैठे थे। पास आकर नितिन बोला, अच्छा मेरी रात भर ना नींद नहीं हुई है, अगर किसी को गाड़ी चलाना आता है तो थोड़ी देर चलाओ ना, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इसके बाद मोहन गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गया। नितिन पीछे राजू के पास जाकर बैठने लगा तो मोहन बोला, अरे भाई यहीं बैठो मेरे पास। नहीं नहीं, मैं यहीं पीछे आराम से सो जाता हूँ, यहाँ बहुत जगह है। बाकी कोई कुछ बोले इससे पहले नितिन राजू के बाजू में जाके सो गया। सब लोग अजीब नजरों से नितिन को देखने लगे। अब मोहन गाड़ी चला रहा था, नितिन राजू के कंधे पर सर रख कर सो गया था। अचानक उसको कोई आवाज आने लगी। राजू के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, गुर गुर। नितिन की नींद खुल गई और वो राजू की तरफ देखने लगा। अचानक राजू ने नितिन की ओर देखा। उसके ऐसे अचानक देखने से नितिन सिहर गया। तभी राजू के आंखों की काली पुतलियां ऊपर की तरफ घूम गए और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद दिखने लगी। किसी मुर्गी की बांग की तरह वो चिल्लाया, कुकड़ो को। अपनी सफेद आंखें बड़ी करके वो चिल्लाने लगा, मुर्गा हूं मैं, मुर्गा, कटा हुआ मुर्गा, गग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 
वाली सीटों के ऊपर से उन तीनों लोगों के ऊपर आ गया। लेकिन उन तीनों लोगों को राजू के ऐसे व्यवहार की शायद आदत हो गई थी। गाड़ी को रोक, गाड़ी को रोक। उसमें से एक बोला, रस्सी लाओ। और कोई बोला। मोहन ने रास्ते के किनारे गाड़ी रोकी। वो तीनों लोग उतरे और रस्सी से राजू को बांधने लगे। शरीर से राजू दुबला पतला था, लेकिन पता नहीं कैसे उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी। पहलवान लोगों पर भी वो भारी पड़ रहा था। उसका चिल्लाना जारी था, मुर्गा हूँ मैं, मुर्गा, कटा हुआ मुर्गा। तीनों ने मिलकर उसको रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वापस सब गाड़ी में बैठ गए। मोहन जल्दी चलो, बैठते हुए वे बोले। नितिन तो डर के मारे पसीने से भीग गया था। ये क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे भाई क्या हुआ है इसको? पता नहीं, पिछली अमावस की रात से ऐसा कर रहा है। रात को अचानक उठकर ऐसे चिल्लाता है। हमें शक है कि किसी ने काला जादू किया है। नितिन को अब पता चला कि रस्सी क्यों लाई थी। गाड़ी में अब पूरा सन्नाटा था। गाड़ी गंगनापुर पहुंच गई। मंदिर के पास आते ही राजू शांत हो गया। उन्हें दोपहर की आरती के लिए रुकना था। नितिन ने देखा कि उस मंदिर के बाहर राजू के जैसे ही और भी लोग थे और उनके साथ उनके रिश्तेदार भी थे। दोपहर में आरती के लिए सब अंदर जाने लगे। मोहन नितिन को बोला, देखो आप मत आओ,
आप यहीं गाड़ी में आराम करो। लेकिन उसने सोचा, अगर यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्यों ना भगवान की आरती में शामिल हो जाऊँ। आरती शुरू हो गई। तालियों और घंटियों के साथ मंत्रों का उच्चारण होने लगा। वहाँ राजू जैसे आए हुए लोग जगह पर ही झूमने लगे। कुछ औरतें थी, कुछ लड़कियाँ थी, सब चिल्ला रही थी शायद दर्द से, क्योंकि भगवान के मंत्रोच्चार से उनके अंदर के भूत को तकलीफ हो रही थी। अचानक एक औरत बाल खुले छोड़कर नितिन की ओर भागती हुई आई। नितिन डर कर पीछे हट गया। वह औरत दौड़ते हुए मंदिर के आंगन में जो खंभे थे उसकी ओर भागी। वह औरत खंभों पर चढ़ने लगी। वह इतने आराम से ऊपर जा रही थी मानो उसके पैर खंभों को चिपक रहे हो। ऊपर चढ़कर वो बीच वाले खंभे पर उल्टा लटकने लगी। देखते देखते उस खंभे पर बहुत सारे पीड़ित लोग आकर चिपक गए। राजू भी वहीं लटक रहा था। नितिन ये सब देखकर डर गया और वह वहां से भागकर सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सब लोग वापस आ गए। राजू को देखकर नितिन दंग रह गया, क्योंकि अब वह मुस्कुराता हुआ एक आम आदमी लग रहा था, हंसते हुए बातें कर रहा था। उसको देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही राजू है जो कल रात चिल्ला रहा था। सब लोग अपने गांव वापस आ गए। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है, तब उस व्यक्ति ने अगर उस पर इलाज करा लिया तो जिसने काला जादू किया है उस पर ही इसका बुरा असर होने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस औरत के साथ जिसने मुर्गे की गर्दन मरोड़ कर काला जादू किया था। अब उसको ही तकलीफ होने लगी थी। फिर उसने एक फैसला लिया। उसने और एक भयानक काला जादू किया, लेकिन इस बार राजू के साथ उसकी भी मौत निश्चित थी। कुछ दिनों बाद नितिन को मोहन दिखा, कुछ काम के लिए उसके गांव आया था। अरे भाई, कैसे हैं अभी राजू सेठ? नितिन ने पूछा। उसके इस सवाल से मोहन का चेहरा उतर गया। राजू तो गया। हम लोग वापस आने के बाद कुछ दिन अच्छे से गए, लेकिन एक रात अचानक वो चिल्लाने लगा और खुद के हाथों से खुद की गर्दन मरोड़ ली। उसकी बुआ ने ही काला जादू किया था, उसी रात उसने भी अपने ही हाथों से खुद की गर्दन मरोड़ दी। नितिन को ये सुनकर झटका लगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जमीन जायदाद के झगड़े थे। नितिन वहीं बैठकर सोच में गिर गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।